देखें, जब भी मुख्तलिफ तरीके से सोचा जाए तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, और जब भी मुख्तलिफ तरीके से किया जाए उसको हम इनोवेशन कहते हैं। तो एक सोचना और एक उसको एक्सप्रेस करना, ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मुख्तलिफ इज द ओनली वर्ड, ठीक है, कि कोई चीज़ जैसे हो रही है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लें, सही, कि ये काम ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही होगा। आप सिर्फ ये सोच लें कि ये किसी और तरीके से भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। हम तो जो खासतौर पर इन्होंने इब्राहिम साहब ने बात की एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात की, कि हम जब स्टूडेंट्स को खासतौर पर यूथ को बता रहे होते हैं कि आपने कोई बिजनेस करना है और क्रिएटिव बिजनेस करना है, तो उसमें सबसे पहली चीज ये कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट है, सही, थिंक अप्स एंड डाउन। बिल्कुल, आबशार ऊपर से नीचे गिर रही है, ये एक ऑर्डिनरी थिंकिंग है, क्यों नहीं आबशार नीचे से ऊपर जा सकती, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। तो एक आप जब इस चीज को आउटराइटली उल्ट कर देते हैं ना कि चीज जैसे ऐसी हो रही है, तो ये यहां से ना आपका क्रिएटिव एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सही, कि आप वो जो पैराडाइम्स हैं, जो रवायात हैं, जो चलती आ रही है कन्वेंशनल बेस्ड एक थिंकिंग होती है कि ये चीज ऐसे ही हो रही है और मुझे भी ऐसे ही करनी चाहिए, इसको आप ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो इवेंचुअली आप उस ट्रैक पे चल पड़ते हैं कि जहां पे आप देखते हैं क्रिएटिविटी। अब शुरू में इसको हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं, शुरू में ही होता है कि हम बिल्कुल लड़ना शुरू कर देते हैं कि हर चीज को ही हम जो है ना वो एक तरह से ब्रेक कर दें, एक तरह से हम उसको कहते हैं कि यार ये इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर दें जैसे ऐसे नहीं हो रही। फिर उसके बाद एक न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर आता है, फिर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं और फिर हम एक ब्लेंड बनाते हैं